हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी लिसनिंग स्किल, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम स्पीकिंग स्किल को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पीकिंग स्किल है, सबको पता है कि स्पीकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हमने अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को, अपने एक्सप्रेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए जो स्पीकिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस पर्सन के पास जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू एक पर्सन इंश्योर कर सकता है कि जो दूसरा पर्सन है वो उसके कहे गए बात को या उसके द्वारा कन्वे किए गए मैसेज को मिसअंडरस्टूड ना करे। और जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को कन्विंस कर सकता है अपनी किसी भी बात मनवाने के लिए। तो जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा रोल, यू नो, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले है स्पीकिंग सिचुएशन, की कौन कौन सी स्पीकिंग सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंटरेक्टिव सिचुएशन। इंटरेक्टिव सिचुएशन बेसिकली क्या होती है? इंटरेक्टिव होता है जब हम दूसरे पर्सन के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, राइट? इस सिचुएशन में क्या होगा कि दो पर्सन होंगे, वो एक दूसरे से अल्टरनेटिवली बात करे। जब एक पर्सन बोलेगा तो दूसरा पर्सन उसको आराम से सुनेगा, और जब दूसरा पर्सन बोलेगा तो इधर वाला जो पर्सन है वो सुनेगा। मतलब क्या है कि दो पर्सन है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई बात नहीं समझ आई तो वो एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। मतलब कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों जो पर्सन है वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और एक दूसरे के दिए गए मैसेज को या कन्वे किए गए मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव सिचुएशन, जिसमें दोनों पर्सन एक्टिव होते हैं, दोनों पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सेकेंड है हमारे पास पार्शियली इंटरेक्टिव सिचुएशन। पार्शियली इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें जो एक पर्सन है वो बात कर रहा है और बाकी जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। जैसे कि स्पीच होती है, राइट? जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स जब स्पीच देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो बोल रहा है, वो मैसेज कन्वे कर रहा है, और जो ऑडियंस है, ऑडियंस आराम से बैठ के सुन रही होती है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है कि जो ऑडियंस है वो चुपचाप लीडर की बातें सुन रही होती है, वो उसके स्पीच को इंटरप्ट नहीं करती। तो पार्शियली इंटरेक्टिव में यही होता है कि जो एक पर्सन है वो एक्टिव है, वो बोलेगा, और बाकी के जो लोग है, जो ऑडियंस है, वो चुपचाप लीडर की जो बात है या उसका जो स्पीच है उसे सुनेगी। अब जो लीडर है, लीडर कैसे पता करेगा कि जो ऑडियंस है वो उसकी कही गई बातों से कन्विंस है कि नहीं? तो जो लीडर है वो ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से, उनके एक्सप्रेशन से ये आइडिया लगाता है कि जो ऑडियंस है वो लीडर की बात को समझ पा रही है कि नहीं समझ पा रही, कन्विंस हो रही है कि नहीं हो रही। तो पार्शियली इंटरेक्टिव में बेसिकली यही होगा कि एक पर्सन जो है वो स्पीच देगा और जो ऑडियंस है वो चुपचाप बैठकर सुनेगी। सो दैट इज पार्शियल इंटरेक्टिव, मतलब कि एक पर्सन एक्टिव होगा और दूसरी जो पार्टी है वो पैसिव होगी, वो बात नहीं करेगी। दैट इज पार्शियल इंटरेक्टिव। लास्ट है हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, जिस तरह रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, या फिर जो रेडियो शोज होते हैं, रेडियोज पे भी क्या होगा कि जो ब्रॉडकास्ट होती है वो आएगा हमारा नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। नॉन इंटरेक्टिव का मतलब ही होता है कि जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते, जब आप एक दूसरे को नहीं जानते होते, दैट इज नॉन इंटरेक्टिव। अब क्या होगा, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो एक टीचर है वो क्या करेगा, लेक्चर रिकॉर्ड करेगा, राइट? लेक्चर रिकॉर्ड करके वो पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो समझाएगा बच्चों के लिए। आगे जो दूसरे पर्सन है वो उसको सुनेंगे, वो उन वीडियोस को देख के अपने जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, अपने जो टॉपिक्स है वो क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीचर है ना तो वो स्टूडेंट्स को जानता है, और जो स्टूडेंट्स है ना ही वो टीचर को पर्सनली जानते होते हैं। तो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन होती है, दैट इज नॉन इंटरेक्टिव। इसके अलावा मैं अगर आपको और बताऊं,
ऑनलाइन जब क्लासेस शुरू हुई थी तो उसमें क्या होता था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते थे जो कि रिकॉर्डेड ऑडियोज सेंड करते थे, राइट। रिकॉर्डेड ऑडियोज में क्या है कि एक पर्सन अपने घर पे बैठा हुआ है, अपने घर पे बैठ के वो क्या करेगा, एक लेक्चर को रिकॉर्ड करेगा, पूरे के पूरे लेक्चर को जो उसने रिकॉर्ड किया है आगे उसको ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा और जो भी लोग उन ग्रुप्स में ऐड है वो लोग उस लेक्चर्स को सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही वो एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब कि ये क्या हो गया कि एक पर्सन अपने घर पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरा पर्सन अपने घर पे बैठ के सुन रहा है। तो दोनों में जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को कोई बात नहीं समझा रहे या एक दूसरे को कोई बात नहीं बोल रहे, रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू वो एक दूसरे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। इस तरह की जो भी हमारी स्पीकिंग होती है वो आएगी हमारी नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। आई होप आपको ये जो तीनों सिचुएशंस है ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं बैरियर्स, जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग स्किल में कौन कौन से बैरियर्स या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक पर्सन को फेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूज ऑफ जार्गन। जार्गन क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट वोकैब्स जो होती है, दैट इज जार्गन। हर एक जो फील्ड है उसके अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल वर्ड होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो दूसरा डॉक्टर बड़ी इजीली समझ पाएगा, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस पीपल, राइट। इसी तरह हर एक फील्ड में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, वो जो टर्म्स हो गई, वो जो वर्ड्स हो गए, दैट इज जार्गन, राइट। सो इसमें फर्स्ट बैरियर क्या आएगा कि जब कोई पर्सन जार्गन का, प्रोफेशनल वर्ड्स जो होते हैं उन वर्ड्स का यूज करेगा, ओवर कॉम्प्लिकेटेड जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे, या फिर इसके अलावा कि कोई अननोन वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो जो है वो एक बैरियर का काम करेगा। अगर कोई सामने से पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहा है, कोई ऐसे वर्ड यूज कर रहा है जो आपको नहीं पता कि उनका मीनिंग क्या है, तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को आपकी कही बात समझ नहीं आएगी, और जब सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी कही बात को समझ ही नहीं पा रहा तो ये क्या है, ये एक बैरियर का काम करेगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो बात आपने बोलने की कोशिश की है वो तो सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आई, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूज ऑफ टैबूज। टैबूज क्या होता है, टैबूज एक्चुअली ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम सोशली या फिर पब्लिक में बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लगा सकते हैं कि पीरियड्स वाला, जो गर्ल्स में जो गर्ल्स के जो पीरियड्स वाला टॉपिक होता है, दैट इज लाइक टैबू। जो गर्ल्स होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। आजकल तो वैसे काफी ट्रेंड चेंज भी हो गया है, बट स्टिल क्या है कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं या फिर सेक्स एजुकेशन जैसे हमारी हो गई, तो इन चीजों को हम पब्लिकली डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं जिनको आप पब्लिकली डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, या जिनको आप ओपनली दूसरे पर्सन को नहीं बोल पाते, क्योंकि आपके बोले हुई चीज से समटाइम्स क्या होगा कि दूसरा पर्सन जो है वो ऑफेंड भी हो सकता है, उसको बुरा भी लग सकता है। तो जो भी ऐसी होती है जिनको आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, उस तरह की चीजें जो है वो एक बैरियर का काम करेंगी, राइट। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहे, आपको ये फील हो रहा है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जो सामने वाले पर्सन को बुरी लग जाए या सामने वाला पर्सन ऑफेंड हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आप क्या करेंगे, अपनी बात खुलकर नहीं रख पाएंगे। और जब आप खुलकर कोई बात नहीं बोल पाएंगे तो वो क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, सामने वाले तक आप अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाएंगे। तो जो टैबूज होते हैं वो भी क्या करेगा, एक प्रॉब्लम का काम करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, राइट। उसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रेक्शन। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, सामने से कोई भी पर्सन है वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, उसका जो अटेंशन है वो आपकी तरफ नहीं है, या फिर आपके द्वारा जो भी बात बोली जा रही है उसमें सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है,
वो भी क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। नो मैटर कि आप कितना अच्छे से कोई चीज समझा रहे हैं, कितना अच्छे से बोल रहे हैं, बट अगर सामने वाले पर्सन का आप में ध्यान ही नहीं है, सामने वाला पर्सन आपको सुन ही नहीं रहा, वो आपके पास खड़ा है, आपकी बात सुन रहा है पर उसका ध्यान कहीं और है, तो इस तरीके से क्या होगा कि कभी भी आपकी जो बात है वो उस पर्सन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सभी चीजें जो है वो भी क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Differences in perceptions and viewpoints. जब दो पर्सन जो भी बात कर रहे हैं उनके perception में, उनकी way of thinking, उनके सोचने का नजरिया, उनके समझने का नजरिया अलग अलग होता है, तो कभी भी वो एक दूसरे के points को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की feelings को जो है वो नहीं समझ पाएंगे। Suppose करो मैं हूँ, मैं कोई बात किसी को समझाना चाह रही हूँ, right? उस पर्सन का जो वे ऑफ थिंकिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट, उसके जो परसेप्शंस हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो जब हम एक ही पॉइंट पर मिल ही नहीं पा रहे, हमारी जो थिंकिंग है वो एक जगह पर नहीं मिल पा रही, हमारे सोचने में ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, मतलब कि उसका सोचना कुछ और है, मेरा सोचना कुछ और है, उसकी थिंकिंग कुछ और है, मेरी थिंकिंग कुछ और है, अगर इस तरह की भी डिफरेंट परसेप्शंस होंगे या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होंगे तो वो भी क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज है अगर किसी पर्सन को हियरिंग डिफिकल्टीज है, मतलब कि सामने वाला पर्सन जो है वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा, या किसी को स्पीच डिसेबिलिटीज है, कोई पर्सन अच्छे से बोल नहीं पा रहा। कुछ लोग होते हैं जो स्टैम्बल करते हैं, लाइक अटक अटक के बोलते हैं, और जो लोग हैं जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो ये सब बैरियर का काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन आपकी बात को नहीं सुन पा रहा तो वो कैसे समझेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं, बोलते टाइम अगर आप लोग स्टैमर कर रहे हैं, आपके स्पीच जो है वो साफ नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो साफ नहीं बोलते, क्लियर नहीं बोलते, जो तुतला कर बोलते हैं, तो वो सब चीजें भी क्या करेंगी, वो एक बैरियर का काम करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपकी स्पीकिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल। बोलना हर एक पर्सन को आता है, बोल तो कोई भी सकता है, बट अपनी बात को दूसरों के सामने इफेक्टिव वे में किस तरह रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपनी बात दूसरों को समझानी है, ये जो दूसरों को समझाने का तरीका होता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है, ये सब क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है। एक पर्सन जो है जब वो कोई भी स्पीच दे रहा है, किसी के साथ बात कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उसे पता होना चाहिए कि सोशली हमने बिहेव कैसे करना है, किस तरह अपनी बात जो है वो दूसरों के सामने रखनी है, किस तरह किस वे में हम बिहेव करके सामने वाले पर्सन तक अपनी बात जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में पहुंचा सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। क्या होता है कभी कभी कि बोल तो हर कोई लेता है, बट अगर मैं किसी को बोलूं कि आपने पूरी क्लास में खड़े होकर पढ़ाना है, तो हर एक पर्सन जो है वो खड़ा होकर नहीं पढ़ा पाएगा क्लास में। उसका मेन रीजन क्या है कि उस पर्सन को नहीं पता। काफी बार होता है जैसे क्लास में मैं पढ़ा रही होती हूँ तो वहां पे बच्चे बोलते हैं, मैं उनको पूछ लेती हूँ कि क्या आपको ये पॉइंट समझ आया, तो देवर लाइक कि समझ तो आया है, देन आई विल लाइक कि कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर मी। तो वहां पर मेन प्रॉब्लम फेस जो मुझे करनी पड़ती है वो ये होती है, बच्चे बोलते हैं कि हमें समझ तो आ गया है कि क्या मतलब है, पर हमें समझाना नहीं आता, वी रियली डोंट नो कि इस बात को एक्सप्रेस कर कैसे करना है, इस बात को बोलना कैसे है। जब आप लोग अपनी बात को दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचा पा रहे या अपनी बात को खुलकर दूसरे पर्सन के सामने नहीं रख पाते, तो आप में मतलब क्या है कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो आप लोगों में नहीं है, उसकी कमी है आप लोगों में। तो जब भी किसी पर्सन में प्रेजेंटेशन स्किल की या नॉलेज की कमी होगी तो वो क्या करेगा, वो भी एक बैरियर का काम करेगा, ठीक है ना, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा स्पीकिंग स्किल में। नेक्स्ट है हमारे पास डिकोडिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉन वर्बल होता क्या है। बेसिकली नॉन वर्बल होता है जिसमें आप कोई भी चीज नहीं बोल रहे होते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है किसी भी पर्सन के एक्सप्रेशन हो गए, किसी भी पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारे जो आई कॉन्टेक्ट होता है, ये सब जो हमारी लैंग्वेज होती है ये होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सामने वाले को समझ आ जाता है कि सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है। जब वो आई कॉन्टेक्ट होता है, आई कॉन्टेक्ट से बहुत सारी
चीजें क्लियर हो जाती है। जो हमारे जेस्टर्स होते हैं वो भी एक तरह की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डीकोड करना मतलब कि कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिकोड नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। जब भी कोई पर्सन जो है उनमें कल्चरल डिफरेंसेस होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे। अब मैं नॉर्थ से हूं सपोज करो, तो मेरा जो कल्चर है दैट इज डिफरेंट, जो लोग साउथ से हैं उनका कल्चर अलग है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जब एक पर्सन है जो नॉर्थ से है और दूसरा पर्सन साउथ से है, वो दोनों कहीं पे खड़े होके बात कर रहे हैं, जो पर्सन साउथ से है वो मेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है बट मैं उनकी बात को नहीं समझ पा रही क्योंकि उनका कल्चर जो है वो अलग है। वो अपने कल्चर से रिलेटेड कोई बात मुझे बता रहे हैं, मैं उस चीज को रिलेट नहीं कर पाऊंगी, मैं उस चीज को नहीं समझ पाऊंगी क्योंकि मैं उस कल्चर से अनजान हूं, मुझे उनका कल्चर नहीं पता। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज को समझने में, स्पीकिंग में या फिर किसी भी मैसेज को अंडरस्टैंड करने में एक बैरियर का काम करेगा। ठीक है ना, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बड़ी। अब मैं इंडिया से हूँ राइट, तो कोई पर्सन है जो बाहर से है, कोई फॉरनर है, कोई NRI है, अगर हम दोनों एक जगह पे खड़े होके बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनका कल्चर अलग है और हमारा कल्चर जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो भी एक बैरियर का काम करेंगे। ठीक है ना जी। लास्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ना तो अच्छे से बोल पाएंगे, ना आप अच्छे से लिख पाएंगे। जो 4 स्किल्स है हमारी, स्पीकिंग स्किल होगी, लिसनिंग स्किल होगी, इसके अलावा रीडिंग और राइटिंग, सभी स्किल्स के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी बोल नहीं पाएंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी बोल नहीं पाएंगे, आप बात नहीं कर पाएंगे। बात आप तब कर पाएंगे जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, जब आप में कहीं पर खड़े होकर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं फ्लुएंटली इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाऊंगा। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक क्या होगा कि आप अच्छे से यू नो स्पीकिंग स्किल्स जो है वो आपकी इंप्रूव नहीं होंगी। तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की जो कमी है, ये भी एक बैरियर का काम करेगी। आई होप आपको जो बैरियर्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन है टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने की तो आपने हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जब भी आपको मौका मिल रहा है कहीं पर खड़े होकर बोलने का, किसी से भी इंग्लिश में बात करने का, हमेशा आपने उस यू नो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, हमेशा उसका यूज करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी और उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि आपने हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, जहां पे भी आपको बोलने का मौका मिलता है वहां पर आपने बोलना है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, आस्क क्वेश्चन। अगर आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी क्लास में भी बैठे हैं, आपका जो टीचर है वो आपको कुछ समझा रहा है, आपको वो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ राइट, आपको वो चीज नहीं समझ आई है, तो आपने खड़े होके क्वेश्चन पूछना है। आपने उनको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपने बोला है वो मुझे समझ नहीं आया है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछना जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरा पर्सन है जो आपके सामने बोल रहा है, आपको वो चीज नहीं समझ में आई, तो वहां पर जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्जर्व नेटिव स्पीकर्स। ऑब्जर्व नेटिव स्पीकर्स का मतलब क्या है, हम यहाँ पे किस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं, अमेरिका चले गए, आप कनाडा चले गए, कहीं पे भी आप जाते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो कौन है, नेटिव स्पीकर्स हैं। उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है।
जब आप उन लोगों को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो आपकी जो स्पीकिंग है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। अगर आप इंडिया में भी हैं, यहाँ पर रहते हुए भी जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जिनकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितना ज़्यादा आप उन लोगों को बोलता हुआ सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर सपोज करो आप कहीं पर बाहर चले जाते हैं, आप अमेरिका चले गए हैं, राइट, आप कैनेडा चले गए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, कहीं भी जाते हैं जहां पर लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वहां पर जाकर आप जो इंग्लिश है वो बहुत इजीली सीख पाएंगे। उसका कारण क्या होता है, क्यों आप सीख पाएंगे? जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, जब भी आप किसी से बात करेंगे, तो हमेशा जो सामने वाले लोग हैं वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप उन लोगों को बात करते हुए सुनेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। आप धीरे धीरे उनको सुनकर बोलने की कोशिश करेंगे, और जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपकी स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगी, जो फ्लुएंसी है वो आपकी स्पीकिंग में आएगी ही आएगी। सो इसीलिए स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का, स्पीकिंग स्किल्स को यू नो ग्रैब करने की सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए सुने। लास्ट पॉइंट है आस्क रिपीटेशन क्लेरिफिकेशन। अगेन वही सेकंड वाला पॉइंट आ गया कि जब आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है आप हमेशा रिपीटेशन के लिए पूछ सकते हैं। आप सामने वाले पर्सन को पूछ सकते हैं कि जो आपने बोला है कैन यू रिपीट दिस फॉर मी, क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप रेपिटेशन के लिए पूछेंगे, जो डाउट रह जाता है उसकी क्लेरिफिकेशन आप मांगेंगे, वहां से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जब आपका डाउट क्लियर हो गया तो वो आपकी नॉलेज में क्या होगा, एड ऑन होगा, वहां से आपकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए हमेशा रेपिटेशन के लिए और क्लेरिफिकेशन के लिए पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारे सोल्यूशन कि जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो गाइस आज की जो लेक्चर है इसमें हम इतना ही करेंगे। इसमें मैंने आपकी जो स्पीकिंग स्किल है उसको पूरा कवर करा दिया है। एक दो दिन में मैं ट्राई करूंगी कि एक और लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँ जिसमें हम रीडिंग स्किल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि मेरा मेन मोटिव यही है कि जितना भी हम करेंगे उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। कराने को मैं भी आपको जो चारों स्किल्स हैं वो एक लेक्चर में करा सकती हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। आई जस्ट वॉन्ट कि जितना हम करें उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करें। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं जितना करना चाह रही हूँ उतने नहीं कर पा रही, बट मैं ट्राई करूँगी कि आगे से जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है वो वीक में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूँ, और लेक्चर्स भी आपको जो है वो वीक में एटलीस्ट दो लेक्चर्स तो प्रोवाइड करा ही पाऊँ। अभी मैं एक एक लेक्चर ही प्रोवाइड करा पा रही हूँ, बट आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। तो आई होप आपको जो आज का सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।